अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सारे इंजॉय कर रहे हैं, सब ने डिनर कर लिया हुआ है इस टाइम। मिनी, मैंने सारी वाइट लाइट्स ऑफ की हुई हैं क्योंकि मुझे ना कभी कभी ये येलो लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। इससे ना बड़ी फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स वाली लुक आती है। और ये मेरे सारे बेबीज खाना खा के बैठे हुए हैं और ये अपने खाने की तैयारियों में है। वो देखें, वो सामने जीकी भी बैठा है, मिस्टर मैक्स बैठे हैं शेल्फ पर। हमने भी खाना खा लिया है। मिनी, ये मिस मैगी, आप लोग पूछ रहे थे कि मिस मैगी जो है वो उसके बच्चों का बाप कौन होगा, तो मिस मैगी के बच्चों का बाप मफिन होगा। ये मेरा पारा दीदी। ओहो, ये इन्होंने क्या किए? ओहो, मैंने टिश्यू वायर ही रख दिया था गलती से। ये देखो, ये तो मैं इतने अच्छे क्वालिटी के लेकर आई थी। ये पता नहीं कौन से ब्रांड के थे लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छे टिश्यूज थे। और ये देखें, ये मैक्स ने क्या हाल किया है। हाय अल्लाह, मेरे सारे टिश्यूज फाड़ दिए इन्होंने। इनके काम देखें, ये देखें नीचे भी गिराए हुए हैं। नूर, आपने किया ये काम? नहीं, नूरी किचन में शेल्फ पर नहीं चढ़ती। तो नहीं किया मोनी ने? जिगी, आपने किए इसे? जिगी, इसको आपने फाड़े? ये डेफिनेटली मैक्स के काम होंगे क्योंकि मैक्स यहाँ पे बैठा है। हाँ, किसने किया जिगी? अच्छा, मुझसे ना किसी ने कहा था, पहले मैं इसको ड्रॉअर में रख दूं इससे पहले कि इसकी और शामत आए। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ब्राउन मोनी को भूल गई हैं ब्राउनी के आने के बाद, तो आपने ना मोनी को ब्राउनी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, मैंने रिप्लेस नहीं किया, मुझे मोनी से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। असल में रीज़न पता है क्या है? जब से ब्राउनी पैदा हुई है ना, तो ब्राउनी कॉन्स्टेंटली बीमार रहती है। और आपको पता है कि जो बच्चा बीमार रहता है उसको पेरेंट्स की ज़्यादा टेंशन मिलती है। हमें उसको हर वक्त अपने साथ रखना पड़ता है। बस यही वजह है कि आपको ये मैडम सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन मैंने कोई मोनी को रिप्लेस नहीं किया। मोनी की अपनी जगह है और ब्राउनी की अपनी जगह है। इसको मैं इसके पास जाऊँगी ना, ये भाग जाएगी ब्राउनी कि मुझे पकड़ लेंगे। ये खेलने में बिजी है। अब ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। मोनी, इतना फालो मोनो। मोनी, आपको क्या कहने आए? ये साहब जी खाना मांगने आए हैं, इनको भीगा हुआ खाना मिलता है ना। अच्छा, आपको आजकल मेरा बेड जो है ना बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी लेटी हुई थी और अभी अभी उठी हूँ। तो ये जो नीचे कंफर्टर बिछाया होता है ये नहीं मैं निकालती, मैं एक्स्ट्रा ऊपर ले लेती हूँ, तो अभी मैंने ऊपर ही लिया हुआ था। डैनी, इसको भी इन्फेक्शन है मुंह में हल्का हल्का। वो आपने एक दफा हार्ट बिस्किट जो खिला दिए हैं। जिस कैट को मुंह का इन्फेक्शन हो जाए वो सारी जिंदगी नहीं जाता। इसको एक दफा भी आपने हार्ट नहीं खिलाने थे। आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो डैनी को? ये दोनों बहन भाई कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, छोटा ही साशा, छोटा मैक्स, और वो पीछे बैठा हुआ है बिल्लू, मिस नूर का क्रश। तेरा वॉश तोड़ोगे आप सुल्तान? ये भी गिरा कर तोड़ता। हाँ, ये दोनों चीजें जो है ना, एक ये वॉश और साथ में ये हॉर्स, और इसके साथ का एक और है, दो मैंने लिए थे। तो ये मैं लेकर आई थी पिछले साल मानसहरा से। तुम्हारा सेंटर टेबल बुकर का जो पीस था मैंने तोड़ दिया। वो तो इन्होंने मेरी पता नहीं कितनी चीजें तोड़ी हैं। मिस्टर बिल्लू, मिस्टर बिल्लू, क्या सोच रहे हैं आप बिल्लू? हमारे पास इतने डेकोरेशन पीस थे, सब तोड़ दिए। कुछ तोड़ दिए, कुछ मैंने छुपा दिए, अब निकालूंगी। लेकिन अब फिर भी इनको अकल आ गई, अब कम तोड़ते हैं। अब ये काफी अरसे से मैंने दोनों चीजें यहाँ रखी हैं,
अभी आज सुल्तान चढ़े वरना ये नहीं तोड़ते। ये थोड़ा सा हॉर्स के ऊपर के एजेस जो है ना, ये इन्होंने अपने दांतों से चबा चबा के खाए हैं। और मेरे इस प्लांट को तो हर वक्त ये नोचते हैं। नहीं कर लो, कहाँ जाना है इस टाइम। अभी है जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने जो एक दिन पहले फ्राइडे वाले दिन मैं लेकर आई थी ना सब्जी, तो मैंने सारी सब्जी जो है मैंने संभाल ली थी, सिर्फ जो है ना ये हरा प्याज ही रह गया था। अच्छा, स्प्रिंग अनियंस जो है ना, इनमें इतनी ज़्यादा मट्टी होती है कि अगर आप इसको ऐसे ही रख दें ना फ्रिज में तो पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है। तो मैं कभी भी स्प्रिंग अनियंस को ऐसे नहीं रखती, मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके काट के मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यही काम मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम ही मैंने ये स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट बनाया था। तो मैं नीचे से भी थोड़ा सा जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो रफ वाला हिस्सा है, वो सारा मैं निकाल रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, और बाकी का जो है ना मैं क्लीन करके पहले मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, फिर इसको छोटा छोटा सा चॉप करके तो मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने से इसको कुछ भी नहीं होता, और इसका ऑमलेट जो है ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सर्दियों में हम लोग जो सूप बनाते हैं, चाइनीज़ बड़ा खाने का दिल करता है, तो उसमें बहुत काम आता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ विंटर्स में कि मैं ये ला कर इसको वॉश करके क्लीन करके चॉप करके मैं इसको रख लेती हूँ। कभी कभी जिपलॉक बैग्स में रख लेती हूँ, लेकिन आज मैं इसको ऐसे ही कंटेनर में रख लूँगी। तो बस इसी तरह से सारे मैं चॉप करती जा रही हूँ और फिर इसको रख लूँगी। और ये ऑमलेट में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो आज मैं इसी का ही बनाऊँगी ऑमलेट। और बहुत दिन से हम लोगों ने ना ये ऑमलेट और पराठे का नाश्ता नहीं किया था, तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग ये नाश्ता करेंगे। तो मैंने ऑमलेट के लिए मैंने ना 3 हरी मिर्चें जो है वो छोटी छोटी सी चॉप कर ली थी, और 3 ही अंडे लिए मैंने। उसमें मैंने डाला है सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छी तरह से इसको मैं बीट कर लूँगी, और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा मिल्क। मिल्क से क्या होता है कि अंडा ना ज़रा फ्लफ़ी सा बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है ऑमलेट। और बस इसमें अब मैं डाल दूँगी सारे ये स्प्रिंग अनियंस जो हैं, ये डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने हरा धनिया भी डालना था, लेकिन वो मैं फिर भूल गई। जब खा रही थी तो फिर मुझे याद आया कि धनिया भी पड़ा हुआ था, तो वो मैंने डाला ही नहीं। तो एक पराठा मैंने फुजैल के लिए बनाया था, और बाकी मैंने ऑयल वाली रोटियां बना ली थी अपने और फुजैल के लिए। और अब मैं बना लूँगी एग। चाय मेरी बन चुकी है, हम लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग पत्ती वाली चाय ही लाइक करते हैं। तो बस ये ऑमलेट बनाती हूँ और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और इतने दिन के बाद ये ब्रेकफास्ट करके ना बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। और मुझे ऑयल वाली रोटी या पराठे के साथ ऑमलेट और साथ में अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑमलेट मुझे इस तरह से ज़रा ब्राउन ज़्यादा किया हुआ अच्छा लगता है, अगर वाइट वाइट हो तो वो मुझे लगता है कि कच्चा कच्चा सा है, तो मैंने उसको ब्राउन कर लिया। और बस जी फिर हम खाना खा लेंगे। आप मेरे प्यारे बेटे, जिगी कहाँ पे है? जिगी, जिगी, ये तो मिस मैगी आ गई है। ये कौन है इतनी मोटी लड़की? ये हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी हेजी। और ये आप क्या कर रहे हो फुजैल के पीछे? इसकी स्टोरी जाएगी मंडे को। हाँ, हेजल की स्टोरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे को हम शेयर करेंगे हेजल की स्टोरी, और आपको हेजल के बारे में बताएंगे हेजल के साथ क्या क्या हुआ। अब तो हेजल हमारा चांद है, चांद। आपने भी खा लिया, इसने भी खा लिया ना? ये आया था ना बेबीज के साथ, आया था। पहले सब बेबीज को हम खिलाते हैं, फिर बड़ों को। ये मोनी ने खाए? मोनी भी आ गई है। आप बच्चों को फिर अंदर करते हैं ना? वो देखें, वो ये देखें क्या हो रहा है। अभी खा के गया ये लड़का। चल। ये क्या हो गया? प्यार होते होते वो बेटा है ना, वो इतना प्यारा बेटा है। एक ही शक्ल है दोनों की। डैनी, स्कूबी, दुशा, साशा को क्या हुआ है? ऐसे ही स्कूबी से डर गई है, और वो हेजल सोई हुई है। हेजिटेट, वो बैठा हुआ कैसे है? तो स्कूबी आओ, तो स्कूबी
I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. टाइम 12:30 का टाइम हो रहा था और मैंने सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी, और इस टाइम काम करने के बाद ना दोबारा से भूख लग जाती है, तो बस मैं अनार छील रही हूँ और साथ एप्पल काट लूँगी। और यही राइट टाइम होता है लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान में, जब आप खाते हो ना फ्रूट्स, यही राइट टाइम होता है फ्रूट्स खाने का। और रोटी तो मैंने बहुत ही थोड़ी खाई थी, 40 ग्राम आटे का मैंने पेड़ा बना के बस वही खाई थी। बस इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डाल दिया और अब मैं ये खा लूँगी और फुज़ैल को भी दूँगी साथ में। तो बस जी, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।